सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट चीपेस्ट वाईफाई अडैप्टर जो अंडर 1000 रुपीस में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, उन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो पहला टीपी लिंक का TW2722N है वर्जन 1 और देन लियोक्सिस का SG105। तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको टीपी लिंक का वाईफाई अडैप्टर दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये टीपी लिंक का TW722N वर्जन 1 है। तो इसके अभी फिलहाल 2-3 वर्जन आ गए हैं मार्केट में, V2 आ गया, V3 आ गया। तो भाई जो वर्जन 2 और वर्जन 3 है ना, उन दोनों में पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको अगर लेना है तो यही लेना वर्जन 1। तो इसके थोड़ी बहुत मैं स्पेसिफिकेशन बताया था, 2.4 GHz पे काम करता है, 150 MBPS की हाई गेन एंटीना भी मिलता है। लेकिन इसको मैंने काफ़ी रफ यूजेज किया, मतलब 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूं यार इसको। तो आप देख सकते हैं इसका एंटीना भी खो गया, DB एंटीना। तो उसमें आप बड़ा एंटीना भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि ये बहुत चीपेस्ट आता था, मेरे को अराउंड 700 रुपीस पड़ा था 3-4 साल पहले, और ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट अडैप्टर था। तो उसके अलावा जो दूसरा अडैप्टर हमारे हाथ में आता है वो है लियोक्सिस का SG150N। तो इसका रिव्यू भी मैंने डाल रखा है यहाँ पे, कार्ड्स में आएगी वीडियो देख लेना। तो ये भी एक चीपेस्ट वाइप अडैप्टर है, ये अभी 800 रुपीस के अराउंड आपको पड़ जाता है। इसके अंदर पैकेट इंजेक्शन, मोटर मोड सब कुछ सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी आपको एक DB एंटीना मिल जाता है, 150 MBPS की इसकी स्पीड है और 2.4 GHz पे ये वर्क करता है। कंपेटेबल है, प्लग एंड प्ले वर्जन है, तो मतलब आप इसको कहीं भी किसी भी PC में अपना प्लग एंड प्ले करके यूज़ कर सकते हैं, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं है। लिनक्स में ये बहुत स्मूथली वर्क करता है। मैंने तो कहा इसमें अभी लियोक्सिस को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर DB एंटीना वर्किंग कंडीशन में है, और इसको मैं सॉफ्ट AP पैकेट इंडक्शन मॉनिटर मोड के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वाईफाई हैकिंग के लिए ये दोनों ही अभी तक के बेस्ट चीपेस्ट वाईफाई अडैप्टर्स हैं। बाकी अल्फा अल्फा के भी आते हैं लेकिन वो काफ़ी हाई प्राइस में होते हैं, और वो बाद में भी लेंगे हम, उसकी भी वीडियो आपको शो कर दूंगा मैं। तो चलो अभी PC पे चलते हैं और मैं आपको 1x1 दोनों के अंदर आपको मॉनिटर मोड, पैकेट इंजेक्शन एंड सॉफ्ट AP शो करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अपने PC पे आ गए हैं, तो पहले हम यूज़ करते हैं अपना टीपी लिंक का जो TW721 है वर्जन 1, जो अभी तक का सबसे चीपेस्ट वाईफाई अडैप्टर था, जो 3 साल पहले रिलीज हुआ था और अभी तक का भाई मार्केट में जिसके पास है उस सबका फेवरेट ही है ये, ठीक है। इसको प्लग एंड प्ले है ये भी, इसमें कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लिनक्स में देखो मैंने कनेक्ट किया और ये ब्लिंक होगी, इस पर ग्रीन लाइट और ये कनेक्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप वाईफाई से मेरा कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे जो मेरा इंटेल अडैप्टर है वो अभी इंटेल अडैप्टर ड्राइवर्स अपडेट नहीं है तो शो नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यादव जो मेरा वाईफाई आ रहा है और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको कमांड डाल के दिखा देता हूँ। आपको पहले डालना है sudo ifconfig, इससे हम अपने नेटवर्क अडैप्टर की सेटिंग शो कर देते हैं, जो हमारे नेटवर्क अडैप्टर से अपने आपके लैपटॉप में कनेक्टेड हैं, लिनक्स मशीन पे कनेक्टेड हैं। तो फला इथरनेट ओ एलो फ्लैक्स एंड देन आप देख सकते हैं वलैन 0 करके आ रहा है। जो ये वलैन 0 है वो हमारा नेटवर्क अडैप्टर है टीपी लिंक का, जो हमने कनेक्ट किया है 722N वर्जन 1 है। ये याद रखना वर्जन 2 और वर्जन 3 नहीं है, उनमें सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। वर्जन 1 के अंदर जो अब मैं आपको आगे की कमांड्स यहाँ पे शो कर दूंगा, नीचे कमांड्स आ जाएंगे, आपको मैं सारा बताते जाऊँगा कैसे इसमें मॉनिटर मोड ऑन करना है और कैसे इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, पैकेट इंजेक्शन कर सकते हैं। थोड़े से मैं आपको डिस्प्ले का साइज़ बढ़ा देता हूँ, डिस्प्ले का साइज़ क्या जूम इन कर देता हूँ, और sudo आपको एयरमोन G-start-vlan0 कमांड टाइप करना है। तो यहाँ पे कमांड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लेना sudo airmon -ng और start-vlan1। जैसे आप हिट एंटर करते हैं तो द कार इन मॉनिटर मोड एंड दे विल इंटरफेस बाय चेंजिंग चैनल्स। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे लिखा जाता है कि मॉनिटर मोड सपोर्टेड है, फिजिकल वलैन ओमोन ऑन है, और तो sudo हम नेक्स्ट कमांड डालते हैं sudo ifconfig और चेक करते हैं मॉनिटर मोड एनेबल है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा है आगे आपकी क्लियरली वलैन 0 मोन, मतलब जो अपना वलैन 0 का वाईफाई अडैप्टर था वो क्लियरली मॉनिटर मोड में चला गया है। तो चलो हम नेक्स्ट कमांड पे यहाँ पे सर्च करते हैं अपने नियर बाई के वाईफाई नेटवर्क्स जो मॉनिटर मोड में, हम उसे कैसे सर्च करते हैं। तो आपको कमांड डालना है sudo airdom -ng एंड वलैन 0 मोन, ठीक है। ये कमांड डाल देना, कमांड क्लियरली कमांड में अगर थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो काम नहीं करेंगे। हिट एंटर करोगे आप तो आपके स्क्रीन पे नियर बाई वाईफाई राउटर्स शो होने लगेंगे। लेफ्ट साइड में आपको BSSID बीकन्स डेटा शेयरिंग और देन वाईफाई राउटर का नेम। तो अभी मेरे इस अडैप्टर में ज़्यादा राउटर शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्लियरली आपको ने देखा था इसका एंटीना खो चुका है, फिलहाल वो टूट गया था क्योंकि इतना रफ यूज़ किया मैंने इसको 3-4 साल से। तो इसमें आप नया एंटीना भी लगा सकते हो, तो मैं उसकी वीडियो आपको इंस्टा पे दिखा दूँगा कैसे कनेक्ट करना है, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नीचे आपके जो डिवाइसेस कनेक्ट है राउटर्स पे उनकी भी BSSID शो होने लग जाती है। तो भाई ये एक बेसिक सा स्टेप था और इसको हम क्विट करते हैं और नेक्स्ट पे आपको शो करता हूँ मैं इसमें और पैकेट इंजेक्शन ये सब कैसे काम कर सकता है। तो आप यहाँ से आप इसका BSSID ये सब देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन से राउटर में कितना डाटा, कौन सा डिवाइस किससे कनेक्टेड है और कौन सा डाटा शेयर हो रहा है। तो आपको चलो क्लियर कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट कमांड डालता हूँ यहाँ पे जो पैकेट इंजेक्शन के लिए हम डालेंगे। तो कमांड का नाम है airreplay -ng एंड देन -test vlan0
मॉन। तो अपना वाईफाई अडैप्टर का नेम डाल देना है आपको क्लियरली विलन जीरो मॉन, और ये कमांड आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, क्योंकि अगर आपको डिस्प्ले दूर है थोड़ी, मैं जूम इन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप देख लेना। तो देन हिट करोगे तो देखो जैसे अभी ऑपरेशन नॉट परमिटेड, तो मैंने अभी सूडो नहीं डाला है, रूट प्रिविलेजेस नहीं दिए, तो मैं कमांड से पहले सूडो डाल देना, तो आप देख सकते हो अगर भाई एक कमांड में हल्की सी मिस्टेक करोगे तो वो शो नहीं करेगा। तो आपको सूडो डालते ही आप देख सकते हो ट्राई प्रोप रिक्वेस्ट इंजेक्शन इज़ वर्किंग, एंड देन नीचे आप देख सकते हो फाउंड टू APs, इंजेक्शन इज क्लियरली वर्किंग एंड टू APs इसने फाउंड कर दिया है, और जस्ट फाउंड टू APs एंड देन आपको पता है आप आपकी स्क्रीन पे लिखा गया पैक इंजेक्शन इज क्लियरली वर्किंग। तो भाई जो अपना टीवी लिंक का TW722N अडेप्टर था वर्जन 1 था, वो उस पर सब कुछ काम करता है, आपका मॉनिटर मोड, पैकेट इंजेक्शन एंड सॉफ्ट AP। सॉफ्ट AP की वीडियो मैं IGTV पे डाल दूंगा, इंस्टा पे फॉलो कर लेना मेरे को, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, यार फॉलो नहीं करते आप, और लाइक सब्सक्राइब कर देना क्योंकि YouTube आज ज़्यादा वीडियो तो डाउन कर ही दे रहा है मेरी। और चलो टीपी लिंक का जो अपना अडेप्टर था वर्जन 1, ये अभी तक का चीपेस्ट अडेप्टर था, 3 ईयर अगो ये लॉन्च हुआ था, और उस हिसाब के उस प्राइस के हिसाब से ये अभी तक इसमें सारी चीज़ें सपोर्टेड है और अभी भी अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर इसमें एंटीना कनेक्ट कर लूँगा तो ये बहुत सही हो जाएगा, तो मैं एंटीना भी कनेक्ट करूँगा इसमें, और बड़ा एंटीना कनेक्ट करूँगा DBI एंटीना, और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे वो काम करता है, उसकी भी वीडियो आ जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और भाई लाइक कर दो वीडियो को तुरंत। तो नया अडेप्टर जो अपना सेकेंड अडेप्टर था लियोक्सिस का HG150N, तो भाई इसके हम यूज़ करेंगे, और इसमें आपको चेक करके दिखाऊंगा मैं कैसे मॉनिटर मोड और जो जो हमने पिछले वीडियो में चेक किए, पिछले वीडियो मतलब पिछले अडेप्टर के साथ चेक किए, वो सारे चेक करूंगा इस पर, मॉनिटर मोड, पैक इंजेक्शन एंड सॉफ्टवेयर भी सारे। तो ठीक है, तो कनेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक हो रही है इस पर ब्लू कलर की, और आपको बेसिकली वही कमांड्स रिपीट करने हैं जो हमने पहले रिपीट किए थे। सूडो इफ कॉन्फिग डालना है और अपने मॉनिटर मोड को चेक करना है, तो सूडो इफ कॉन्फिग आप देख सकते हैं लाइन जीरो करके आ रहा है यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट IP सारी सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा इसका, और आप देख लेना कनेक्टेड हो चुका है क्लियरली। तो उसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं और चेक इसको पहले मॉनिटर मोड में पुट करते हैं। तो भाई ये कमांड आप अगर यूज़ करते रहोगे ना तो आपको ये सारी कमांड धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट कमांड डालते हैं अपना सूडो एयरमोन -NG स्टार्ट ब्लेंड जीरो, तो इससे अपना जो वाईफाई अडैप्टर है लियोक्सिस वाला वो मॉनिटर मोड में चला जाएगा। तो जैसे ही हमने कमांड डालना है आपको, कमांड में यार मिस्टेक मत करना, एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक करोगे तो कमांड नहीं काम करेंगे लिनक्स यूजर्स, वो आपको पता होगा। तो चलो हम कमांड हिट करते हैं, और कमांड हिट करते हैं आप देख सकते हो तो ये जो अपना अडेप्टर है वो मॉनिटर मोड में चला गया है। RA Link टेक्नोलॉजी बेस्ड है और ये मॉनिटर मोड में चला गया है, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, और देन अडेप्टर है वो मॉनिटर मोड में चला गया है, स्क्रीन पर लिखा रहा है, तो उसको चेक किल करके मतलब आप क्लियरली मॉनिटर मोड में यूज़ कर सकते हैं। देन Mac ID और आपको RA Link का चिपसेट मिल जाता है, इसके जो टेक्नोलॉजी है जो चिपसेट यूज़ किया है, फिजिकल वलैन जीरो मोन, तो अपना ऑन हो चुका है वलैन मोन, अपना लियोक्सिस का वाईफाई अडेप्टर है वो क्लियरली मॉनिटर मोड पे काम करता है। तो चलो हम सूडो इफ कॉन्फिग कमांड डालते हैं और चेक करते हैं वो मॉनिटर मोड में है कि नहीं है। तो आपको कमांड डालना है वापस सूडो इफ कॉन्फिग, और अपना जो वाईफाई अडेप्टर है वो उसके आगे मोन लिखा जाएगा, मतलब वो मॉनिटर मोड में चला गया। तो आप देख सकते हो वलैन जीरो मोन, तो अपना जो वाईफाई अडेप्टर था लियोक्सिस वाला उसमें क्लियरली मॉनिटर मोड वर्क कर रहा है, और हमने ऑन कर दिया है इसका मॉनिटर मोड। तो चलो हम नियर बाई वाईफाई राउटर स्कैन करते हैं अपने मॉनिटर मोड से लियोक्सिस के अडेप्टर से, तो इसके अंदर DBI एंटीना है, तो आप देखना भाई कितने ज़्यादा राउटर्स ये नियर बाई के स्कैन करेगा, क्योंकि पिछले वाला जो अडेप्टर था वो सिर्फ एक ही दो राउटर स्कैन कर पा रहा था क्योंकि उसका एंटीना टूट चुका था। तो अब जैसे हमने कमांड हिट कर दिया यहाँ पे sudo airdom -ng glen omon, तो हिट करते के साथ आप देख सकते हो भाई नियर बाई के सारे वाईफाई राउटर्स ने स्कैन कर लिए हैं, आपके स्क्रीन पर लिखा जाता होगा वाईफाई राउटर्स यादव झंडा, देन सारे आपको इनके SSID इनके नेम्स लिखा देंगे, तो मैं थोड़े SSID और MAC address से हाइड कर दूंगा यार, तो आपको पता है यूट्यूब भाई कुछ भी देख के टर्मिनल देखते ही बैन कर देता है, वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको। तो आप देख सकते हो इसके नीचे जो डिवाइस कनेक्टेड है राउटर से उनके बारे में भी शो कर दे रहा है, एंड्रॉइड शेयर और यहाँ पे TP-Link प्रोप्स, देन आप देख सकते हो क्लियरली 7 से 8 वाईफाई राउटर्स यहाँ पे नियर बाई शो कर दे रहा है, जो TP-Link वाला नहीं कर पा रहा था। अब इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल पर सी दबा देना और क्लोज हो जाएगा, अब नियर बाई देखो अब देख सकते हो यार क्लियरली आपके स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, आपको जो करना है वो करो, यहाँ के नियर बाई स्कैन कर सकते हो कैसे भी कर सकते हो। और चलो इसके अंदर मैं आपको पैकेट इंजेक्शन टेस्ट करके दिखा देता हूँ, पैकेट इंजेक्शन का टेस्ट का वही था कमांड sudo airreplay-ng एंड टेस्ट प्लान ओमोन। तो भाई कमांड हिट करोगे आपके साथ, कमांड हिट करते ही आपको नियर बाई देखो, अब ज़्यादा राउटर्स हैं तो ये पहले पैकेट इंजेक्शन इज वर्किंग लिखा आ जाता है नीचे, और आप चेक कर सकते हो मतलब प्रोप रिक्वेस्ट गई है इन राउटर्स में इस चैनल पे, और यहाँ पे नीचे पैकेट इंजेक्शन इज वर्किंग, TP-Link को भेजी थी इसने रिक्वेस्ट एंड फाउंड टू APs। तो भाई जो अपना लियोक्सिस का अडेप्टर था उसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो
पैकेट इंजेक्शन, मॉनिटर मोड, सब कुछ सपोर्ट करता है इसके अंदर। और ये भी चीपेस्ट राउटर है, अडेप्टर है, वाईफाई अडेप्टर, जो 800 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाता है। और गो फॉर इट यार, इसके लिए भी ये भी बेस्ट है अपने जिस प्राइस में ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। काफ़ी महंगे महंगे राउटर्स अडेप्टर्स होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं प्रोवाइड, जैसे अल्फा अल्फा के हैं, वो सब भाई 5,000 के पड़ते हैं। और ये आपको 800 रुपीज़ में सारी फंक्शंस देता है, तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। और जो अपना टीपी लिंक का था वो भी कम देता भाई, फिलहाल वो तो मिलता नहीं है जल्दी, अगर मिल गया तो भाई वो भी ले लेना। लियोक्सिस से सही प्राइस में, हाफ प्राइस में मिल जाए आपको 400-500 रुपीज़ में। इन दोनों के बाइंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं नीचे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कंटेंट चेक करो चैनल पे, हैकिंग से रिलेटेड काफ़ी, और न्यू वीडियोज़ भी आने वाली हैं। ठीक है, बाय।